नमस्कार, मैं कैफ खान। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका के भारत न्यूज में। कमिश्नर ऑफ पुलिस डीके ठाकुर के दिशा निर्देशन पर काम कर रही राजधानी कमिश्नरेट पुलिस को लगातार सफलता मिलती नजर आ रही है। कुछ दिन पहले हुई ठाकुरगंज के कनक सिटी इलाके में गोली मारकर हत्या में आरोपी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए थे, जिसकी सूचना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। फिलहाल जिसमें आज इंस्पेक्टर ठाकुरगंज राजकुमार की पुलिस टीम ने हत्यारे सुशील यादव और रेशू को गिरफ्तार कर हवालात के पीछे भेज दिया है। मामला लखनऊ के थाना ठाकुरगंज इलाके का है, जहां पर सनसनीखेज हत्या का ठाकुरगंज पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें दो हत्यारे चाचा और भतीजे ने मिलकर हत्या जैसी भयानक घटना को अंजाम देकर फरार हो गए थे, जिसकी सरगर्मी से पुलिस तलाश कर रही थी। बता दें, गिरफ्तारी के बाद हत्या में प्रयुक्त पिस्टल भी आरोपियों के पास से पुलिस ने बरामद की है। वहीं DCP वेस्ट देवेश कुमार पांडे ने गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 10,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा भी की है। देखिए लखनऊ से हमारा संवाददाता मोहम्मद दाऊद की ये रिपोर्ट। अपराधियों के विरुद्ध कसे जा रहे शिकंजे में राजधानी कमिश्नरेट पुलिस को लगातार सफलता हासिल होती नजर आ रही है। ताजा मामला लखनऊ के थाना ठाकुरगंज इलाके का है, जहां ठाकुरगंज पुलिस ने बड़ी सफलता पाई है। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है DCP वेस्ट देवेश पांडे जी। आइए बात करते हुए जानते कि कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, किस मामले में आज खुलासा किया गया है। 5 जनवरी को ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में रिंग रोड चौकी के पास विपिन नाम के एक युवक की हत्या की गई थी। दिन दहाड़े हत्या हुई थी। पुलिस ने इसे चुनौती के रूप में लिया था और कई टीमें हमारी लगी हुई थी। आज इससे संबंधित 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कल रात में की गई थी हमारी पुलिस टीम द्वारा। हत्या में प्रयुक्त पिस्टल भी बरामद हुई है। दोनों अपराधियों का पूर्व आपराधिक इतिहास है, विशातिर अपराधी है। पुलिस टीम के द्वारा स्वीकार किया गया, उसके लिए पुलिस टीम को 10,000 रुपये की नगद पुरस्कार। सर, लखनऊ राजधानी के अलावा क्या बाहर भी इन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है? अभी इनसे इस संदर्भ में और जानकारी की जा रही है, इनके आपराधिक इतिहास के विषय में अभी जानकारियां की जा रही है। ये थे हमारे साथ DCP वेस्ट देवेश पांडे जी, जिन्होंने हमसे बात की और बताया कि किस तरह से घटना का खुलासा किया जाएगा। थाना ठाकुरगंज में जो हत्या हुई थी उसका खुलासा करके ठाकुरगंज पुलिस टीम ने एक बड़ी सफलता पाई है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मोहम्मद दाऊद, के भारत, लखनऊ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए के भारत।